दिवेश, ये जो फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, उचित समय जांच के लिए जो दिया जाता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, दावे बड़े, सबूत पब्लिक डोमेन में फिलहाल नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चैट्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, इन तीनों के क्या कोई व्हाट्सएप चैट्स हैं जो इसे कॉन्स्पिरेसी के केस से जोड़ते हैं? जी आपको बता दें कि आर्यन खान ने स्वयं अपनी स्टेटमेंट में ये कबूला है और बार बार उनके वकीलों ने भी ये कहा है कि अरबाज मर्चेंट उनके बचपन के दोस्त हैं और अरबाज मर्चेंट का भी यही कहना है। जो पंचनामा है, स्पॉट पंचनामा, जहां पर अरबाज मर्चेंट के जूतों से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई, 6 ग्राम चरस बरामद की गई, उसी पंचनामे में ये लिखा गया है कि ये 6 ग्राम चरस इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए है। भले ही ये अरबाज मर्चेंट के पास पाई गई, पर इसे आर्यन खान भी कंज्यूम करने वाले थे। मुनमुन धमेचा का ये कहना है कि ना वो आर्यन खान को जानती हैं, ना अरबाज मर्चेंट को जानती हैं, और उसी तरीके से अरबाज मर्चेंट आर्यन खान भी यही मेंटेन करते हैं कि वो मुनमुन धमेचा को नहीं जानते। अब जो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके का समय दिया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ग्राउंड यही पेश करती आ रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि क्योंकि इन्फ्लुएंशियल अक्यूज्ड एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से है, क्योंकि अभी बहुत पर्याप्त समय पूरी तरीके से नहीं मिला है, विदेशी नागरिक का नाम सामने आ रहा है जी, विदेश मंत्रालय को संपर्क किया गया है, ठीक, और अन्य बहुत सी। रहिए मेरे साथ, हम सीधे चलते हैं। मेरी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या उस समय अदालत के अंदर थी जब कोर्ट में जज अपनी बात कर रहे थे। विद्या, स्पेशल जज वीवी पाटिल, क्या कहा उन्होंने अदालत में, दोनों पक्षों की क्या प्रतिक्रिया रही? जी देखिए, ज्यादा कुछ तो नहीं कहा। जैसे ही जज वीवी पाटिल बैठे, उन्होंने सीधे कह दिया कि तीनों बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड हैं, और तुरंत, हालांकि देखिए जैसे भी हर बार होता है कि डिफेंस जो है जनरली प्रिपेयर्ड रहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ रिजेक्ट हुआ तो हाईकोर्ट तुरंत उसका रुख किया जा सके, ताकि 5 बजे जब हाईकोर्ट की रजिस्ट्री बंद होती है उससे पहले रजिस्टर हो सके। तो कोशिश जो डिफेंस की है वो तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच करने की है, और वो कर रहे हैं ये। लेकिन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो जिस तरह से इस पूरे मामले को रखा था अदालत के सामने, उससे जो है वो प्रयोजन पक्ष, जो बेसिकली जो एनसीबी के अधिकारी हैं और साथ ही जो उनके दूसरे वकील हैं, वो काफी खुश नजर आए। उन्होंने यहां तक कि कहा कि वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि यही आदेश आएगा, और ऐसा ही आया। एनसीबी का पूरी तरीके से मानना है कि फिलहाल बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेजी से चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा, क्योंकि आर्यन खान एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, बड़ी फैमिली से है। भले ही वो यहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विटनेसेस को। अंतर्राष्ट्रीय विटनेसेस हैं इस पूरे मामले में, इसलिए अगर विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आरोपियों को और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इस पूरे केस का रुख बदल जाए, जैसा कि एएसजी ने भी अदालत को बताया था। और यही वजह है कि अदालत ने भी यही लगा, क्योंकि ज्यादातर अगर आप केसों में देखेंगे, हालांकि इस मामले में डिटेल्ड ऑर्डर अभी आया नहीं है, लेकिन जो निचली अदालत होती है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत कम हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, और अगर करती भी है तो काफी देर बाद, जब तक चार्जशीट फाइल करने का समय आता है तब करती है। तो इसीलिए अभी फिलहाल, क्योंकि 18-20 दिन हुए हैं, अभी तो काफी लंबा समय है जब चार्जशीट इस मामले में फाइल होगा, तो जब चार्जशीट फाइल होती है तब इन्वेस्टिगेशन माना जाता है कि थोड़ा बहुत खत्म होने पर आ गया है। तो अभी तो बहुत लंबा समय है, और इसीलिए इतनी जल्दी बेल दे देना निचली अदालत को शायद सही नहीं लगा होगा, इसीलिए ये बेल नहीं मिला। हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर इस पूरे मामले में अभी थोड़ी देर बाद आएगा। क्या डिटेल्ड ऑर्डर आज शाम हाईकोर्ट की रजिस्ट्री खुलने तक आने की उम्मीद है विद्या? क्योंकि अगर हुआ तो ये अपील कर पाएंगे बेल के लिए सुपीरियर कोर्ट में, हाईकोर्ट में, अगर नहीं तो ये मामला और लटकने का डर है। ये देखिए, कोशिश सबकी यही जारी है, सबने यही कहा कि जल्द से जल्द अदालत से दरख्वास्त की है कि जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द मिल जाए। अदालत की भी कोशिश यही है। देखिए, अब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इस मामले में, अगर आप देखें, अमित देसाई खुद जो आर्यन खान के वकील थे उन्होंने 2 घंटे लिए थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी कुछ तकरीबन इतना ही समय लिया था। तो दोनों पक्षों की तरफ से जब 3-4 घंटे की बहस हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है उन सबको लिखने में और उसके बाद साइटेशन देके उसके बाद आधे
अपने ऑब्जर्वेशन के बाद ऑर्डर पे आने पे काफी समय लगा होगा जज को, और यही वजह है कि शायद ये लंबा भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऑपरेटिव ऑर्डर उन्होंने दे दिया है, कह दिया कि तीनों जो बेल एप्लीकेशन है मुनमुन धनेजा के, अरबाज के और आर्यन के, तीनों रिजेक्टेड है। तो अदालत से जो निकले जो जूनियर्स हैं, सतीश माने शिंदे के कह लीजिए, जितने जूनियर्स हैं वो सब अदालत से तुरंत निकल गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है ताकि फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके, ताकि यहां से जो आदेश मिलेगा उसे सिर्फ अटैच करना होगा और आगे की सुनवाई हो सकती है उसके बाद।